किस तरह यार ये इतनी सी चीज किस तरह इतना एक्यूरेट काम कर सकती है? बारिश नहीं आनी, आगे ले जाओ आगे बादलों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया अंदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर होफिज़ अल्लाह ताला के फजल करम से। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो करते हैं स्टार्ट। करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। और अगर यार जो बंदा डिज़र्व करता है ना, उसे आप यार मायूस नहीं कीजिएगा, क्योंकि उम्मीदें होती हैं आपसे, उम्मीदें ही हैं। और आप मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और यार इतनी छोटी सी चीज़ ना इतना बड़ा कैसे काम कर सकती है, और इतना एक्यूरेट और इतना अच्छा काम किस तरह कर सकती है? यार मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा काम किस तरह हो सकता है यार। वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो इस काबिल बनाती है कि कोई भी चीज़ है वो मैं बाद में बताऊँगा क्या चीज़ है। यार उसने इतना अच्छा काम किया ना, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उसके काम से, और आपको दिखाऊंगा आगे चलकर वो क्या चीज़ है, कितना अच्छा किसने कितना अच्छा काम किया है, और ये किस तरह यार ये इतनी सी चीज़ किस तरह इतना एक्यूरेट काम कर सकती है। उसे मतलब जमा करना, छोटे छोटे तिनके लाना, फिर उसे तो मतलब अगर देखें तो ये कुछ ही दिनों में यार ये काम जो है ना सर अंजाम। इंसान है ना, अगर एक मकान बनाना हो ना तो उसे 4 से 5 दिन लग जाते हैं मकान जो है उसकी मुकम्मल तामीर करते हुए। अभी यार जो टाइम हुआ होने वाला है वो 5 बज रहे हैं, असर का टाइम होने वाला है, और असर की जो अजानें हैं वो अभी जो है ना वो अजानें होना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर बंदा यार नमाज़ भी कभी कभी पढ़ लेता है। यार नमाज़ पढ़नी चाहिए, हम सबको पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला तो तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि यार इंसान इस दुनिया में आया ना किस लिए है, मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? इंसान को ना मकसद नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए, किसी सूरत में नहीं भूलना चाहिए यार मकसद। इंसान को नहीं भूलना चाहिए अपना जो ज़िंदगी में आने का। यार इंसान अगर किसी से बात करे ना, किसी के साथ मुतवज्जे हो ना, तो उसे ना अच्छी चीज़ें कोई सिखा दे। यार यार एक चीज़ सिखाएं आप किसी को, अच्छी चीज़ सिखाएं, एक चीज़ सिखाएं, दो चीज़ सिखाएं, जो भी सिखाएं यार, अब आधी चीज़ भी उसे अगले बंदे को आप समझा देना। तो क्योंकि इंसान जो है ना किसी के सिखाने से सीखता है, इंसान खुद भी सीखता है, लेकिन इंसान का कोई उस्ताद होता है जो सिखाता है। ये सिस्टम दुनिया का ना इस तरह ही चल रहा है। तो आज का जो वेदर है ना, वो मौसम मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही आउट क्लास मौसम बना हुआ है, क्योंकि आज अभी जो है ना हवा भी चल रही थी, लेकिन अभी जो हवा है वो इस टाइम बिल्कुल रुकी हुई है, क्योंकि जो ज़रा तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अभी जो है ना वो हवा रुकी हुई है बिल्कुल। और ये मैं आपको वेदर चेक करा देता हूँ, क्योंकि अभी जो बादल भी छाए हुए थे कुछ देर पहले बादल भी थे, लेकिन जब से हवा चली है ना तो फिर वो बादलों को अपने साथ लेकर कहीं चली गई है। शायद समझ रही होगी यहाँ बारिश आ जाएगी, लेकिन उसने कहा यहाँ बारिश नहीं आनी, आगे ले जाओ आगे बादलों को, और वो ना बादलों को आगे लेकर चली गई है। और जो आज का मौसम है ना वो यार, पहले तो बादल छादल थे, लेकिन अब जो है ना मौसम थोड़ा सा ना ये डिसमिस हुआ हुआ है। ये देखें अभी जो है ना तकरीबन मौसम जो है ना वो साफ़ ही है इस टाइम। ना बादल कम है, ज़्यादा नहीं है बादल, मौसम साफ़ है। और जो है ना वो चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। यार ये है जो है ना माल्टे का जो पौधा है, इस पर मैं आपको दिखाऊं, एक ना चिड़िया ने यहाँ पर घोंसला बना दिया है, ये देखें। और ये घोंसला आप देखें किस तरह का घोंसला इसने बनाया, और बहुत ही ना मैं कहता हूँ कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इसने। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये इसके अंदर इसने अंडे भी दे दिए, और ये बनाया इसने किस तरह का है ये देखें, बहुत ही ना यार, ये अंदर से इसने बिल्कुल ना, ये देखें अंदर से इसने आगे से ना कोई नरम चीज़ इसने रखी है, ठीक है। और जो इसकी जो बाहर की जो लकड़ियाँ हैं ना वो ज़रा सख्त हैं, और जो इसकी अंदर की लकड़ियाँ हैं वो नरम हैं बिल्कुल। और क्योंकि ये भी चाहती हूँ कि यार मैंने अंडे दिए हैं, और कोई अगर सख्त चीज़ इसमें लग गई, यार ये एक छोटी सी मैं चिड़िया की बात कर रहा हूँ यार, ये इतना सोच सकती यार कि इंसान है यार, इंसान क्या सोचता है यार, कोई सोच है? इतनी छोटी सी चीज़ ना अल्लाह ताला ने कितना इसमें इसके अंदर जो अकल दी है, दनाई इसने इसके अंदर दी है। और जो इंसान है वो अशरफुल मखलूकात है, सब मखलूकात से आला है, लेकिन उसे यार कोई समझ बूझ नहीं है क्या हमने करना है क्या नहीं करना, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। ये यार ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है, यही सब कुछ है ज़िंदगी। और इसने ना मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। ये इसके जो पीछे वाली लेयर है मैं आपको दिखाऊँ, इसकी ना इसकी 3 लेयर हैं, ठीक है। एक बार वाली है, उसके अंदर पता नहीं इसने ना वो
कपास वगैरह कहीं से जमा करके वो लगाई है। इसके अंदर फिर जो लेयर है इसके अंदर जो लेयर है वो है मोटी लकड़ी है, मोटी लकड़ी है। और इसकी जो बिल्कुल अंदर वाले लेयर हैं जिसमें अंडे इसने डाले हैं, अंडे इसने रखे हैं, वो लेयर वो बिल्कुल छोटे छोटे ना छोटी लकड़ियाँ, बिल्कुल मतलब नरम लकड़ियाँ हैं जिससे अगर अंडे लगें तो वो टूटे ना। यार मैं कहता हूँ कमाल कर दिया इसने, ये देखें एक बार आपको फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और जो इसकी जो है ना तमीर इसने ना बहुत ही अच्छी तरह की तरीके से किया, ये देखें। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसे ऐसा इसने मजबूत बनाया है कि आंधी हो तूफान हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ये चीज़ें ये मैं देख रहा हूँ, ये जो माल्टे का बर्तन जब आता है ना तूफान, जो ये बिल्कुल इस तरह हो जाता है, ये बिल्कुल ज़मीन की तरफ ऐसे हो जाता है, लेकिन इसे ये नहीं उतरता। ये जो ऊपर इसके है ना इसने अपना जो घोंसला इसने बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया इसने। अगर आज का व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है, अच्छा रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में इसका इजाज़ ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।